प्रोड्यूसिंग आज टू ईऑन एसेस। तो ईऑन पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए फुल कंसंट्रेशन, शुरू हम करेंगे, खत्म आप करेंगे। चलो, टेरिफाइंग विस्टास ऑफ रियलिटी। विस्टास पता है क्या होता है? विस्टास मतलब है ब्यूटीफुल एरिया। व्हेन यू आर गोइंग ऐसे सड़क के ऊपर, अगर आप देखेंगे आसपास पेड़ लगे हुए हैं, राइट, एक पूरा ब्यूटीफुल रास्ता को विस्टास कहता है। विस्टास ऑफ टेरिफाइंग विस्टास, सुंदर दिखने वाले एरियाज जो हैं, ऐसे करके जो रोड्स हैं आसपास में पेड़ वेड़ लगे हो, तो ऑफ रियलिटी। एच पी लवक्राफ्ट द मास्टर ऑफ द कॉस्मिक हॉरर स्टोरीज वाज अ फिलोसफर ऑथर के बारे में बताया, हु बिलीव्ड इन टोटल इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। कहता है भाई इनसिग्निफिकेंस है भाई, ह्यूमन जो है बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट है। आगे देखते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लेट्स गो, हमेशा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। सैम वुडवर्ड हैज़ अ बी ए एंड एम फिल इन क्लासिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके। ही इज करंटली अंडरटेकिंग डी फिल इज काइंड ऑफ पी एच डी। अब्रॉड में पी एच डी को कई कई बार डी फिल बोलते हैं। इन द क्लासिकल लैंग्वेज इन द लिटरेचर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड। बहुत बढ़िया आदमी है, ऑक्सफर्ड का पढ़ा हुआ है। लेट्स गो, फुल कंसंट्रेशन गाइस, बहुत ही प्यारा है। इन जुलाई 1917 हाउर्ड फिलिप्स लवरक्राफ्ट ऑफ प्रोविडेंस रोड आइलैंड रोड अ शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड डैगन। उसने किताब ड्रैगन नहीं है, डैगन है। इफ यू डोंट केयर फॉर दिस, ही रोट टू वन एडिटर, यू वॉन्ट केयर फॉर एनीथिंग ऑफ माइन। भाई तूने अगर ये इसके बारे में मेरा केयर नहीं किया ना बेटा, तो ये शॉर्ट स्टोरी नहीं देखी तो कुछ भी नहीं केयर करेगा। इन द टेल अ सेलर लॉस्ट इन द सी इन द वुडन रोबोट। भाई सेलर है, वुडन रोबोट के अंदर जाके लॉस्ट हो गया। हिमसेल्फ एब्रप्टली स्ट्रैंडेड ऑन द वास्ट एज ऑफ सी बेड। सी बेड आपको पता ही है, सी बेड समुद्र का बेड। हैड रिजन टू अ सर्फेस पुश्ड अप अ वोल्केनो। तो समुद्र के थ्रू वो एक जगह पर पहुंचा है कि जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो नीचे वोल्केनो के कारण थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। ये अगर आप कभी मालदीव वगैरह जाएंगे तो आपको रास्ते में ऐसे करके सैंड बैंक दिखेंगे। व्हाट आर सैंड बैंक? सैंड बैंक सर जहाँ पे पूरा का पूरा सी होता है, और सडनली आउट ऑफ द सी देर आर टू सैंड बैंक्स, मतलब एक मिट्टी की जगह होती है। सम टाइम इट बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटी। एज द टेरिटरी ऑफ द मेरीन मक हार्डन्स द सन। मेरीन मक, मक मतलब कचरा, मेरीन समुद्री। द सेलर बिगिंस टू वॉक अक्रॉस द हेडिंग वेस्टवर्ड्स टुवर्ड्स अ डिस्टेंट हमक। हमक क्या होता है? छोटी पहाड़ी। हमक इज नथिंग बट छोटी पहाड़ी। बट आफ्टर डेज ऑफ वॉकिंग ही रियलाइजेज द नॉल इज इन फैक्ट अ हाई हिल। नॉल क्या है? नॉल इज ऑल्सो छोटा सा पहाड़ सा। क्या जब वहाँ पहुँचा तो उसको लगा भाई ये तो बहुत बड़ा हाई हिल है। कैंपिंग इन इज शेडो एंड ही अवेक्स वन नाइट। उसके नीचे उसने अपना कैंप वैम्प लगा दिया, छाता वाता लगा के बैठा हुआ भाई वो। ही अवेकन्स वन नाइट इन कोल्ड स्वेट, ठंडे स्वेट में। एंडेवर्स टू क्लाइंब इट, मैं तो ऊपर जाऊँगा। बट एट द समिट, समिट मीन्स एट द टॉप। समिट मतलब टॉप, इसके सिनोनिम लिख लो। समिट का मतलब होता है, एक और सिनोनिम लिखो, एक्मे। ए सी एम, ये एक्ने नहीं है, एक्मे। ओके, एक और सिनोनिम लिखो, पिनैकल। पी आई डबल एन डबल एन ए सी एल ई, लास्ट ईयर स्नैप का वर्ड है। एक्मे, पिनैकल, समिट, एपेक्स, वेरी गुड, ए पी ई एक्स। और दिस वन मोर कॉल्ड एज जेनिथ। जेनिथ स्नैप एंड मेट में आपको दिखेगा, जेनिथ। दे ऑल मीन्स टॉप, एकदम टॉप क्लास, ठीक है। एपिटोमी भी हो सकता है, नूपुर, वेरी गुड। ही लुक्स ओवर साइड टू एन इमेजरेबल पिट और अ कैनियन। उसको एक कैनियन दिखा, कैनियन बोलते खाई, खाई समझते हो, कैनियन। हुज ब्लैक रिसेस द मून्स हैड नॉट येट शोड हाई। कहता उसको जो रिसेस है, रिसेस क्या होता है, एक बहुत बड़ी पिट है, तो उसको पहाड़ के साथ में पिट दिखी है, पर जो मून है ना वो एकदम टॉप पे नहीं आया, उसकी लाइट पहुंच नहीं पा रही है। हैज़ नॉट शोड इनफ टू इल्यूमिनेट। तो मून साइड में, अभी जब मून पूरा ऊपर आएगा तो ये थोड़ी सी इल्यूमिनेट हो जाती है। द टोन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हेयर इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव। ऑथर इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब यू एवरी थिंग पॉसिबल। ये टोन्स भी हम डिटेल में करेंगे बाद में, पर आप पढ़ते पढ़ते बस ऑथर के प्यार में होंगे। आज रात को सोने के पहले एक पढ़ के सोएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो जो वर्ड्स आएंगे उसको अपन नोट करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ भाई, हो जाएगा आज रात को होमवर्क सोने के पहले, यस और नो? अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा ईऑन एसे बॉयज एंड गर्ल्स। वन ईऑन एसे अ डे कीप्स डॉक्टर अवे एंड कैट क्लोजर, ठीक है, डन है, बढ़िया।